प्रोग्राम में शामिल हुए। सबसे पहले कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए राजनांदगांव बारिश स्थल के सभी पदाधिकारी का कैश बार से भी हमारे सदस्य आए हैं। आज के इस समारोह में जैसे कि मालूम है सम्मान एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित नहीं किया सकता है। मिलता है जो सम्मान देता है लायंस क्लब जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी विभिन्न शाखाएं पूरे देश में राजनांदगांव में भी है। मुझे भी पिछले 7-8 वर्षों से लायंस क्लब देने का अवसर मिला, अध्यक्ष दायित्व भी मिला और मैंने देखा कि लायंस क्लब ने सम्मान दिया लायंस क्लब ने इसलिए सम्मान घटता है और इसलिए पूरे विश्व में लायंस क्लब का सम्मान है। आपने देखा होगा पढ़ा होगा सुना होगा कि जब भी ऐसे आयोजन होते हैं जैसे शिक्षक दिवस है तो लायंस क्लब अग्रणी होता है जो सबसे पहले शिक्षकों का सम्मान करता है, मदर्स डे में मदर्स का सम्मान करता है, नर्स डे में नर्स का, डॉक्टर डे में डॉक्टर का सम्मान देता है। इसीलिए उसे सम्मान देता है, इसे बनाने के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है। आज हम बड़े गौरवान्वित हैं कि लायंस क्लब ने राजनांदगांव में यहाँ के जो अधिवक्ता है वरिष्ठ अधिवक्ता है जो हमारे सामने है आदरणीय घनश्याम मिश्रा साहब हमारे सामने बैठे हैं, आदरणीय जैन साहब बैठे हैं, आदरणीय के तिवारी साहब बैठे हैं और भी हैं जो अभी प्रसिद्ध नहीं हो पाए हैं। इन्होंने हमको चलना सिखाया है इस लोकेशन में, इस फील्ड में चलना सिखाया है, हमारा मार्गदर्शन किया है, आज हम इस मुकाम पर खड़े हुए। मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ लायंस क्लब राजनांदगांव में। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बड़ों का सम्मान किया गया लेकिन उस समय में अपने सदस्य का सम्मान किया। ये पहली बार ऐसी है कि कोई संस्था कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो अधिवक्ताओं का सम्मान करने जा रही है तो मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे सम्मानीय आदरणीय विजय साहब एवं अन्य न्यायिक जजों के साथ उनका सम्मान करने जा रहे हैं। एडवोकेट तो नहीं है, अध्यक्ष भी है, जेंट्स हैं तो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, हम उनका सम्मान अध्यक्ष हमारे राजकुमार शर्मा एवं विजय साहब एवं मंचस्थ हमारे दृष्टिपात के अध्यक्ष कांग्रेस से भी जिला पर निवेदन है। इसमें शोभा चौरसिया जी आ जाए, शोभा चौरसिया जी आ जाए। प्रतिभागियों का जिन्होंने इस खेल में पार्टिसिपेट किया और अपना योगदान दिया उनका मैं नाम क्रमशः लेने जा रहा हूँ।
to be true.